Welcome to English class. Children, in the previous class, you have studied the chapter of first day at school. So, you have already listened to the poem. So, what is there in the poem? हमने poem में क्या पढ़ा था? There is a boy who is going to school and it is his first day. एक बच्चा है जो स्कूल जाने वाला है और उसका पहला दिन है स्कूल का. He is very worried. उसको बहुत घबराहट हो रही है. उसको बहुत चिंता है. How will be my new school? मेरा नया स्कूल कैसा होगा? मेरे टीचर्स कैसे होंगे? How my friends will treat me? Okay, सब मुझे पसंद करेंगे कि नहीं? मेरे टीचर मेरी मम्मी जैसी प्यारी होंगी या नहीं? बहुत प्यार से मुझे पढ़ाएंगी या नहीं? उसके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस हैं. वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था. ओके, सो ऑलरेडी यू हैव स्टार्टेड द पोएम. नाउ इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डू द नोट्स. वी विल स्टार्ट द नोट्स. So before doing the notes, I would like to tell you something about your CW. So you have to make an English classwork in a 4-line notebook, and you already know how to write in a 4-line notebooks. 4-line notebooks में कैसे लिखा जाता है आपको already बहुत अच्छे से आता है. फिर भी एक बार revise करते हैं. There are 4 lines, and you have to write the mother letters in the upper 3 lines. आपको अच्छे से lines की ध्यान रखते हुए आपको लिखना है. कई सारे बच्चे हैं बीच की लाइन में ही सारे मदर लेटर्स बेबी लेटर्स सबको ऊपर नीचे कैसे भी लिख देते हैं. सो डोंट डू दैट. मदर लेटर शुड बी इन द स्टार्टिंग 3 lines. ऊपर की 3 lines में हम मदर लेटर्स को लिखते हैं. एंड बेबी लेटर्स सम लेटर्स टच द अपर पिंक लाइन, सम लेटर्स गो टू द डाउन पिंक लाइन, एंड सम आर रिटन बिटवीन द ब्लू लाइन्स. ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए 1 finger गैप छोड़ना है बिटवीन एवरी वर्ड. हर वर्ड के बीच में आपको 1 finger गैप छोड़ना है. एंड राइट इन अ वेरी ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग. बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में ध्यान से आपको लिखना है. डोंट मेक मेनी मिस्टेक्स. रीड एंड राइट. जो भी आप अपनी किताब में लिखेंगे आपको बोलते बोलते रीड करते करते उसको अपनी नोटबुक पे लिखना है. ऐसा नहीं कि सिंपली कॉपी कर लिया. डोंट डू दैट. ओके, बोल बोल कर लिखे. उसको बहुत ज्यादा रीडिंग की प्रैक्टिस भी करें. लिखना तो अच्छी बात है मगर रीडिंग शुड बी वेरी गुड. आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आपको लर्निंग करने में भी आसानी होगी. ओके चिल्ड्रन, प्लीज रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द नोट्स. सो चैप्टर 1 फर्स्ट डे एट स्कूल. FIRST फर्स्ट, DAY डे, ATFSCHOOL स्कूल. फर्स्ट डे एट स्कूल, मेरा स्कूल का पहला दिन. ऐसा यहाँ पे पोएम के मतलब है. Now new words, some of the new words from our poem. अगर आप रीड करेंगे पोएम को यू विल फाइंड मेनी न्यू वर्ड्स. यहाँ पे तो हमने थोड़े से ही न्यू वर्ड्स लिखे हैं मगर आप अपने आप जब रीडिंग करेंगे आपको और भी कई सारे न्यू वर्ड्स मिल सकते हैं. आप उन सारे न्यू वर्ड्स को अपने बुक में इनके साथ में एड कर दीजिए एंड उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए. ओके, लर्न देम एज मेनी टाइम्स यू कैन. आपको परफेक्टली रीडिंग आ जानी चाहिए. ओके चिल्ड्रन, ना वंडर, WONDER, वंडर. वंडर मतलब सरप्राइज, आश्चर्य होना. ओके, कि कैसा होगा मेरा पहला दिन, मेरे साथ कोई फ्रेंडशिप करेंगे या नहीं, टीचर्स मुझे अच्छे से पढ़ाएंगे या नहीं. ओके, कई सारी चीजें मेरे दिमाग में जो चल रही होती है, घबराहट सी होती है. वंडर, ग्रैंड, GRAN, ग्रैंड. ग्रैंड मतलब ग्रैनी, ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, ग्रैंड शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है. ग्रैंड, GRAN, ग्रैंड, दादी माँ या नानी माँ. स्टेयर्स, STAREES, स्टेयर्स. स्टेयर मतलब किसी को ताकते रहना, किसी को कंटिन्यू देखते रहना. ओके, स्टेयर्स, STAREES, स्टेयर्स. पपी, PUPPY, पपी. पपी मतलब अगेन डॉग्स बेबी. ड्रॉइंग, DRAWING, ड्रॉइंग, DRAWING, ड्रॉइंग. सो दीज आर सम ऑफ द न्यू वर्ड्स. आपको जो और नए वर्ड्स आपको न्यू वर्ड्स हार्ड लगते हैं आप कंटिन्यूएशन में लिखते जाइए और उनको लर्न करिए. मीनिंग्स, MEANINGS, मीनिंग्स. व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंग्स? शब्द, कुछ हार्ड वर्ड्स और उनके मीनिंग्स मतलब दिए गए हैं. वो पोएम में कुछ नए शब्द जिनके अर्थ हमें मालूम नहीं होते हैं, सो उनको सीखना होता है. सो सम न्यू वर्ड्स आर गिवन देयर एंड देयर मीनिंग्स इज ऑल्सो रिटन हियर. वंडर, WONDER, वंडर. सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज. वंडर, सरप्राइज. स्टेयर, STARE, स्टेयर. स्टेयर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? कंटिन्यू किसी को देखते रहना, किसी को ताकते रहना. स्टेयर, टू लुक फिक्स.
fixedly. Fixedly मतलब हिले बने एकदम किसी हिले बने किसी को कंटिन्यू देखना. ओके पपी PUPPY पपी यंग वन ऑफ अ डॉग. सो डॉग के बेबी को हम पपी कहते हैं. YOUNG यंग वन ऑफ अ डॉग. ग्रैंड ग्रैंडमदर GRAND ग्रैंड MOTHER मदर ग्रैंड ग्रैंडमदर. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज हियर. सो वन मोर थिंग, आपने फर्स्ट पेज में न्यू वर्ड्स लिख दिया. न्यू वर्ड्स लिखने के बाद आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स न्यू वर्ड्स लिखते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए. आपको वन पेज में आप यहाँ पे पार्टीशन कर सकते हैं. एंड सेकेंड एक्सरसाइज यू हैव टू स्टार्ट इन द न्यू पेज. वन पेज वन एक्सरसाइज ओनली एंड इन द न्यू पेज सेकेंड एक्सरसाइज मीनिंग्स. ओके अगेन न्यू थर्ड एक्सरसाइज राइट दिस इन द न्यू पेज. Make sentences. MAKE make. SENTENCES make sentences. What do you mean by make sentence? आपको एक वर्ड दिया जाएगा. इस वर्ड को यूज करते हुए आपको एक नया अपने मन से सेंटेंस बनाना है. ओके Wonder. WONDER wonder. I wonder if I will reach on time. So I wonder. I will reach on time. मुझे आश्चर्य है कि मैं समय पर पहुंच पाऊंगा या नहीं. अच्छा लग करना. ओके पता नहीं मैं समय टाइम से पहुंचूंगा या नहीं, ऐसा मुझे आश्चर्य हो रहा है. आई wonder if I will reach on time. नंबर टू पपी PUPPY पपी. Raj's mother RAJ apostrophe S. Raj आप इसको कैसे पढ़ेंगे. Raj's mother bought a puppy for him. So brought यहाँ पे आपके लिए नया वर्ड है. Raj's mother मतलब राज की मदर ने राज की मम्मी ने brought a puppy for him. Brought मतलब खरीद किया ना, किसी चीज को खरीदना पैसे से खरीदना. सो राज की मदर ने राज के लिए एक पपी खरीदा, ऐसा यहाँ पे इसका मतलब है. BROUGHT brought a puppy for him. Raj's mother bought a puppy for him. So this is the sentence. हमने यहाँ पे पपी यूज कर लिया है सेंटेंस में. और ये वाले सेंटेंस में हमने wonder कहाँ यूज किया. Wonder. I wonder if I will reach on time. Third exercise. Third bit. GRAND grand. So grand को यूज करेंगे हम. Tom and his grand went to the temple. Tom, so there is a boy, एक लड़का है Tom. Tom और उसकी दादी साथ में temple गए. Temple मतलब मंदिर. TOM Tom and his grand मतलब Tom की नानी या Tom की दादी. His मतलब Tom. So Tom and his grand went to the temple. Went मतलब जाना. WENT went to the temple. TEMPLE temple. So children, in the today's video, we have completed 3 bits of the lesson first day at school. हमने first day at school के 3 bits complete किए हैं. New words, meanings and make sentences. Please complete them in your classwork in a very good handwriting and practice for reading. अपने notes लिखने के बाद उसको आप 10 times read करिए. आपको सारे new words आपके दिमाग में अच्छे से learn हो जाने चाहिए. Okay? Please write them in a very good handwriting. Take care. Bye-bye.